जाना तय है और यही वजह है कि देखिए किस तरह की पूरी तस्वीर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, टेरर फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी की तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की यह खबर इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर पहुंचा रहे हैं। बारामूला में कई जगह एनआईए की छापेमारी सामने आई है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की यह छापेमारी, इससे पहले भी कई बार सामने आ चुकी है और एक बार फिर से एनआईए छापेमारी के तौर पर यहां पर पूरी तस्वीर सामने आ रही है। बारामूला में कई जगह एनआईए की छापेमारी सामने आई है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की यह छापेमारी इस वक्त जारी है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, टेरर फंडिंग मामला, एक ऐसा मामला जिसे लेकर यह साफ होता है किस तरह से आतंक को बढ़ावा देने के लिए, किस तरह से आतंक की जड़ें मजबूत करने के लिए यह बड़ी फंडिंग यहां पर होती रही है और इसी को लेकर छापेमारी एनआईए की इस वक्त जारी है। बारामूला का जिक्र कर रहे हैं जहां पर एनआईए की यह छापेमारी सामने आई है। देखिए आतंक पर फुल एक्शन यहां पर जारी है, जहां एक तरफ सरहद पर तैनात हमारे जवान लगातार आतंकियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आतंकियों को घेर लिया गया है, तो दूसरी तरफ एनआईए की यह छापेमारी पर। ज्यादा जानकारी के लिए रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस छापेमारी को लेकर? देखिए सबीना, लगातार एनआईए की रेड्स यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है। पिछले 3 साल से एक के बाद एक रेड्स हो रही है। यहाँ पे काफी सारे केसेस जो है मिलिटेंसी रिलेटेड या फंडिंग रिलेटेड केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए हैं, उनकी तहकीकात लगातार जारी है। काफी लोगों को अभी तक अरेस्ट भी किया गया है, डिटेन भी किया गया है। काफी सारे गैजेट्स जो है, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, अलग जगहों पर वो सीज कर दिए गए और मामलों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और एक खबर ये भी है कि जो रिसेंट किलिंग्स हुई तो उस सिलसिले में भी 2 केसेस बताया जा रहा है कि एनआईए ने रजिस्टर किए हैं और उनकी तहकीकात अपने हाथ में लिए हैं। तो फिलहाल ये पुराने जो केसेस हैं उनके जो रेट्स हैं उन्हीं से मुतल्लिक हैं, क्योंकि पुराने काफी सारे केसेस अभी यहाँ पे रजिस्टर हैं। कुछ केसेस में चार्जशीट भी पेश की गई है और ट्रायल उनका चल रहा है। तो फिलहाल ये सोपोर, ये जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी 2 जगहों पे रेड्स कंडक्ट की गई है और कुछ जगहों पे भी खबरें आ रही है कि रेड्स एनआईए ने फिर से कंडक्ट की है। सबीना, शुक्रिया रफत जानकारी के लिए आपका। तो न्यूज 18 के रफत अब्दुल्ला की यह खबर इस वक्त आपके सामने। बारामूला में कई जगह एनआईए की छापेमारी जारी नजर बनी हुई है।